उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, अन्नू की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया दो सूखी लाल मिर्च, आधी चम्मच जीरा, एक चम्मच सूखा धनिया, यहाँ पे एक से दो टुकड़े दालचीनी के और थोड़ी सी गोल मिर्च, तीन से चार लौंग, एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री। अब इन सबको हम मसालों को हमें थोड़ा सा सेक लेना है। हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। मसालों को खुशबू आने तक इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। मसाला हमारा सिक गया है, मसाले से खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे एक से दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, बट मैं सारी सब्जियां मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे रफली कट किया हुआ प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, थोड़े से अदरक और दो हरी मिर्च। हमने ऑलरेडी मसालों में दो सूखी लाल मिर्च डाला है, अगर आपको जैसा स्पाइसी रखना है आप उसके हिसाब से रख लें, बट मैं थोड़े से कढ़ाई पनीर थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ इसलिए हमने दो मिर्ची का यूज़ किया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अदरक लहसुन को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीस लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। अब यहाँ पे हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो हमने प्याज के साथ पीस लिया है, अब सबको हम इसमें डाल देंगे। इस पेस्ट को हमें एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है तेल छोड़ने तक। अदरक लहसुन और हरी मिर्च सब अच्छे से भून गया है, देखिए तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। यहाँ पे हमने तीन से चार मीडियम साइज़ के टमाटर को बॉईल कर लिया, फिर हमने उसे ठंडा करके उसका पेस्ट बना लिया। अब टमाटो प्यूरी को हमें तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लेना है, तो इसे हम ढक देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। जब तक हमारे टमाटो प्यूरी पक रहा है तब तक हम इसे साइड में कर लेते हैं और हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। हमें ऑयल को चारों तरफ से अच्छे से फैला लेना है और ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे पनीर के क्यूब्स को। तो पनीर को हम पलट लेंगे। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे शिमला मिर्च। हमें पनीर के साथ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया भी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कसूरी मेथी। थोड़े से हम मसाले इसमें डाल देंगे जो हमने मसाले कढ़ाई पनीर का मसाला जो हमने बना कर रखा था, सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना वरना इसका क्रंचीपन है वो हट जाएगा, तो हमें बिल्कुल इसे क्रंची रखना है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। एक बार मसालों को हम चेक कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। इसमें हम थोड़े से डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया को मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। हमने एक से दो चम्मच के लगभग टमाटो केचप डाला है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़े से कढ़ाई पनीर मसाला। हमने पनीर कढ़ाई पनीर मसाला पनीर में भी फ्राई पनीर को भी फ्राई करते टाइम डाला था, बट हम यहाँ पे थोड़े से कम करके डालेंगे, चला लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। सारे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब यहाँ पे मैं डालूँगी फ्राई किया हुआ पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर को। सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक से दो चम्मच के लगभग मैं पानी डालूंगी। हमें यहाँ पे बिल्कुल कम पानी डालना है। आपको जैसी ग्रेवी रखनी उसके हिसाब से डालें, बट मैं यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल नहीं रखूँगी। चलिए तो अब हम इसे ढक देंगे और एक मिनट के लिए इसे ढक करके पका लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है ना, और खुशबू लाजवाब है। मेरे तो इसे अभी ही देख करके मुंह में पानी आने लगा, मन कर रहा कब खा लूँ। वाओ, तो चलिए कढ़ाई पनीर हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।